अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त शुएब फरीदी। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और आज हम बताएंगे आपको प्योर मलवई कबूतर। प्योर मलवई कबूतर की पहचान क्या है वह मैं आपको दिखाऊंगा। प्योर पंजाबी और मलवई कबूतर जो मेरे उस्ताद के घर से आई है। ये देखिए प्योर मलवई है, ये देखिए नजदीक से देखिए इसकी आंख। प्योर मलवई कबूतर है, इसकी देखो सिर कितना छोटा है, सिर छोटा है और आंखों में गजब की चमक। और ये देखिए ये इसके पर हैं, पर देखिए आप, ये देखिए मेरे वजूद से भी बाहर जा रहे हैं इसके, यही ये देखिए। और इसके पैर देखिए, और बस सिर्फ एक मुट्ठी का कबूतर होता है ये देखिए, मुट्ठी में आ गया एक कबूतर, यही एक मुट्ठी का कबूतर होना चाहिए। कहीं से भी आप उठा सकते हो, किसी को साथ ले जाने की जरूरत नहीं है कि ना मैं पंजाबी कबूतर ले जाने लेकर आ रहा हूँ, किसी को साथ लेकर जाना है। ये देखिए एक मुट्ठी में आ गया कबूतर ये ना। और ये देखिए पूंछ इसकी है, ऐसे है जैसे उंगली बड़ी है ना मेरी, ये बीच वाली, ये देखिए ये देखिए ये देखिए। और कैड़ा कबूतर होगा ये, बहुत ज्यादा सुता हुआ, ये देखो इसके पर बाजू देखो, ये रहे अलग अलग पता लग रहा है बाजू का, ये देखो अलग अलग पता लग रहा है नहीं बाजू का, ये बाजू अलग अलग है इसकी, बिल्कुल अलग अलग। मैं छोड़ कर दिखा दूंगा आपको, ये देखो इसका नर भी दिखाऊंगा आपको। ये इसका नर है, ये देखिए ये भी प्योर मलवई कबूतर है, देखिए इसको शोक करा देता हूँ आपको। देखो वही पूंछ है, देखो पूंछ बड़ी, कुंदे देखो, ये देखिए कुंदे इसके, सिर छोटा और बहुत ही कड़ा कबूतर होता है। हड्डी इसकी चुभने लगती है, मतलब ऐसे ऐसे हाथ फेरोगे ना हड्डी चुभेगी। और पैर बहुत पक्के होते हैं इनके, सिर छोटा होता है इनका, ये देखिए। और यहाँ से ऐसे हल्का पट होता है यहाँ से, ये चीज़ देखो। जब भी कबूतर देख के लो ना, उसके ये जरूर देखना, नथुने जो होते हैं ना उन पर हल्की सफेदी होनी चाहिए, वो कबूतर आपका जो है ना घर वापसी अच्छी करेगा। जो कबूतर के देखा होगा आपने, आपके पास कोई कबूतर भी हो आप वो देख लो अपना, जो अपना आपका हिला हुआ कबूतर हो जो भटका होगा, ये हमारा भटक कर आया है, उसकी नाक पे सफेदी नहीं होगी बिल्कुल भी। सफेदी जो होती है चिट्टा पनीस के नाक पे, वो बहुत होगा ही नहीं, कम होगा, तो वो कबूतर भटकते हैं वो घट। और जिसकी नाक पे सफेदी ज्यादा होगी वो कबूतर आपका भटकेगा नहीं, घर आएगा, गारंटी है मेरी। ये प्योर पंजाबी कबूतर है, एक और दिखा देता हूँ आपको प्योर मलवई कबूतर। ये उसी का बच्चा है, ये वाला बहुत छोटा बच्चा है अभी, ये देखिए बाजू ऐसे अलग अलग मिलेगी, ये देखिए एक कली बच्चा है अभी, ये पूंछ ऐसी मिलेगी, ये गोल बिल्कुल ऐसे। तो प्योर पंजाबी कबूतर, मतलब ये नहीं है ना को भाई हमने कबूतर जो है बड़ा ले लेना है, मोटा कबूतर ले लेना है, पतला कबूतर लो जो एक मुट्ठी में आ जाए आपकी। और पैर उसके मजबूत होने चाहिए, मतलब पक्के पैरों का होना चाहिए। रंग जो है हल्का काले से पनपे, जैसे कि महरूम कलर पे होता है थोड़ा जामनी, इस तरह के पैर होने चाहिए उसके। और सिर छोटा होना चाहिए, जितना छोटा छोटी चोंच हो, ज़्यादा लंबी चोंच ना हो। और जो है आँखों से कोई मकसद नहीं है, आँखों का से सिर्फ नस्ल का पता लगता है, भाई नस्ल कौन सी है, मतलब कड़ा कबूतर लो आप और मजबूत कबूतर लो। बाजू बिल्कुल कबूतर की अलग अलग होनी चाहिए, जो चिपकी हुई बाजू का होगा कबूतर होगा नहीं बढ़िया। और जोड़ जो जोड़ देख के देखते हैं, जोड़ दिखा देता हूँ मैं आपको। ये जोड़ ये बिल्कुल मिला होना चाहिए, नोक चुभनी चाहिए जोड़ की, वो कबूतर बहुत अच्छा होगा।
ये देखिए कबूतर, पैर देखो इसके, बिल्कुल सुरख नहीं है और खुश्की बहुत है यहाँ पे, ये खुश्की होनी चाहिए पैरों पे। ये देखो कितने बारीक तिलों का कबूतर है, पर इससे बस नस्ल का पता लगता है, बाकी देखो ये एक मुट्ठी में आ गया कबूतर, एक मुट्ठी का कबूतर होना चाहिए। प्योर मलबे कबूतर की पहचान है भाइयों, और आप जो है किसी को साथ ले जाने की जरूरत नहीं है, कहीं से भी जाकर आप कबूतर उठा के ला सकते हो, जो बिल्कुल सीधा खड़ा हो कबूतर हो, खड़ा तो उसकी ऐसी होनी चाहिए कबूतर, ये नहीं ना ऐसे मुर्गी की तरह पट है, कबूतर सीधा होना चाहिए, जोड़ उसके जो है बारीक होने चाहिए, मिले हुए होने चाहिए ऐसे, और नोकदार होने चाहिए, हड्डी पर हाथ फेरो तो पता लगे हाँ चुभ रही हड्डी उसकी। इस तरह का कबूतर लेकर आओ, गारंटी उड़ेगा कबूतर, इंशाल्लाह गारंटी से उड़ेगा। ठीक है अच्छा भाइयों, खुदा हाफिज़।